महानगर के वार्ड नंबर 8 के मोहरीपुर में हुए जलजमाव को लेकर नागरिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जलजमाव होने से स्थानीय नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाली की सफाई नहीं होने से जल निकासी नहीं हो रही है। सफाई सुपरवाइजर कर्मचारियों की कमी बताकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं, जबकि स्थानीय वार्ड के पार्षद महेश कुमार ने कहा सड़क निर्माण के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। सफाई सुपरवाइजर राम आशीष ने कहा कि मेन पानी की निकासी में नाला का निर्माण बाधक बन रहा है और अब पंप सेट लगाकर जल निकासी कराई जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, उसका निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक सुपरवाइजर राम आशीष, पार्षद महेश कुमार और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा घर को बारिश सब पानी जरा जाए 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 पानी है जाला है पठान हो गए इस मामले को लेकर, इसको और हर जबस्ती वाले रोड को लेकर हर बैठक में लिखे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं हुआ। हर कन्हैया लाल, यह जल जमाव बहुत काफ़ी दिनों से है। अभी तो बेमौसम का ये हाल है, पानी का हाल देख रहे हैं आपकी क्या, पूरा रास्ता जाम, आने जाने का दिक्कत, पैदल नहीं आना जाना मिलता है। अभी मौसम तो बाकी है पूरा बारिश का, उस समय क्या हाल होगा। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे देता है, ना एक प्रतिनिधि ना सभासद, कोई सुध नहीं लेता है। अब इतनी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, या उसका निदान हमको चाहिए। राम आशीष बताइए, आप कर्मचारी मिले सरकारी छोड़ के? सरकारी प्राइवेट में 25 हैं और सरकारी में 7 हैं, कुल 32 सफाई कर्मचारी हैं। कितने काम कर रहे हैं इसमें? टोटल काम कर रहे हैं, टोटल आ रहे हैं, लेकिन एब्सेंटी है आज की डेट में 10 एब्सेंट है। 10 हाँ। ये जो नाली की पानी की समस्या है, कैसे दूर होगा? पानी का नाली का समस्या का मेन कारण ये है कि जो पानी यहाँ से जो निकल रहा नाला हमारा निर्माणाधीन है, जिसके कारण पानी नहीं हो पा रहा। मेन रोड पे भी नाले नहीं सही अभी हुए हैं, और ये जो जगह जगह नालियाँ हैं वो दबी हुई हैं, धंस गई हैं, जिसके कारण पानी की कैपेसिटी कम है। आगे पानी का पूरे मोहल्ले का पानी इसी नाले से निकलता है, आगे ठीक नहीं है, नाली पतला है। कई बार तो हम लोगों ने ईंटा भी उखाड़ के पानी बहाने की कोशिश किया है, तो उतना ही जितना खींच पा रहा खींच रहा है, क्योंकि आगे निर्माणाधीन है नाला हमारा भी जो बना नहीं है मेन रोड का। मेन नाले से निर्माणाधीन वजह से जल जमा हो रहा है? हाँ, जल जमा हो जा रहा है, और कुछ यहाँ सड़कें जो है नीची हो गई हैं। अभी आप देखे होंगे बगल वाली जो गली है वो सड़क नीची है, आगे वाले सड़क से पिछली सड़क नीची है, जिससे पानी लग रहा है। क्या विकल्प है उसका, किस तरह की चीज़ें? अभी प्रेजेंट टाइम में तो विकल्प यही है कि किसी तरह पानी फेंका जाए। कोई पंपिंग सेट हमारे पास एक आया था तो हम लगा दिए हैं मेन नाले पे, जो पानी काफ़ी भर गया है, कई मकान गिरने के कागार पे थे।
तो उस पर वहाँ लगाए हैं। और पार्षद जी से मिल के हम यही कह रहे हैं कि पार्षद से भी हमने अनुरोध किया है कि एक पंपिंग सेट यहाँ भी लगाया जाए जिससे इस मोहल्ले का समस्या का समाधान हो सके। पंपिंग सेट उपलब्ध नहीं है, ये कब तक लगेगा वहाँ पे जो लगाया आप? बस दो दिन में हो जाएगा वहाँ ख़त्म पानी। दो दिन के बाद यहाँ लग जाएगा? जी हाँ लगवाएंगे हम लोग, दो दिन बाद इनको समस्या समस्या तक समाधान करेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि निर्माण ना होने के कारण नाले का जो कैपेसिटी हमारी कम है, पूरे मोहल्ले का पानी जितना जा रहा है वो खींच नहीं पा रहा है, आगे पतली नाली है इसीलिए जाम हो जा रहा है। मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सब सुकृत, यहाँ जल निकासी थोड़ा सड़क नीचा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर इस पार्षद और यहाँ के सुपरवाइजर या लेबर चाहे तो निकासी हो सकती है। यहाँ की आम जनता इतना त्रस्त है इसके लिए, इतनी बार इन लोगों ने हमको फ़ोन किया, मैं बार बार जो पार्षद है पार्षद से मैं कहा का भैया कल हो जाएगा, सुपरवाइजर से कहता हूँ तो सुपरवाइजर कहता भैया कल आदमी हम लगा देंगे। उसके बाद जो पार्षद का प्रतिनिधि या पूर्व पार्षद भगवान दास हैं उनसे भी मैंने कहा, जो कि इन्हीं का बोलबाला चलता है, पार्षद मतलब कुछ नहीं, ठीक है, जो भगवान दास है जो चाहते हैं वही कराते हैं, लेकिन उनसे भी मैं 10 मरतबे कहा कि वहाँ बगल के लोग निकल नहीं पा रहे हैं, इस सड़क पर चलने वाले इतना त्राहिमाम कर रहे हैं कि हम लोग कैसे निकलें, इतनी गंदगी है, बीमारी का एक कारण है, इससे बीमारी और फैलेगी कि ख़त्म होगा। ये लोग कहते हैं भैया हो जाए, खाली आश्वासन पर आश्वासन देते गए। मैं 10 मरतबे कहा कि भाई इसको करवा दीजिए। लोग कहते हैं भैया बरसात होता तो कहीं इधर काम लग गया है तो कहीं उधर काम लग गया है, आदमी खाली नहीं है, यही इन लोगों का काम है। अब पार्षद को मैं कहता हूँ चलो, तो पार्षद नहीं आता, वो कहता है कि अरे हम कोरोना मरने नहीं जाएंगे, अगली बार हमको कोरोना हो गया था फिर कोरोना हो जाएगा, यही पार्षद का कहना है। मैं कई बार प्रयास किया इसके लिए, लेकिन फिर भी ये रोड बनेगा, मैंने विधायक निधि के द्वारा इसको नापवा दिया हूँ, दो गली है हमारे मोहल्ले में, ये दोनों बन जाएंगी। और घर बनाओ के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, पार्षद या सुपरवाइजर? ये इसका जिम्मेदार पार्षद भी है और सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर इसलिए है कि मैं कहता हूँ वहाँ से जो निकासी होनी है मेन नाले में, जिस दिन बारिश हुआ था मैं खुद निकल के आया और कहा इसको खाली करा दो, अभी ये पानी निकल जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो सिल्ड निकली नहीं, अगर वो सिल्ड निकल गई होती पानी में भग जाता। आप चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ, ये सफाई पार्षद रह के नहीं करा पाता है, कभी अन्य वार्डों के पार्षद घर घर जा के देखते हैं, लेकिन यहाँ का पार्षद किसी के घर पूरे कोरोना काल में नहीं आया। मेन जिम्मेदार पार्षद और सफाई सुपरवाइजर दोनों? जी दोनों हैं। क्या व्यवस्था की है भैया? व्यवस्था तो नहीं हो पा रहा है, निगम में पैसा न होने के कारण सब नहीं बन पा रहा है, ठीक है। हम हर बोर्ड की बैठक में इसको लिखा हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला इसका। जो आपको सफाई कर्मी मिले हैं यहाँ पे, हाँ, उनसे उनके द्वारा नहीं काम हो पा रहा है भैया? सफाई कर्मी अब मान लीजिए दो दिन चार दिन बाद सफाई करते हैं, होने के कारण सफाई कर्मी यहाँ कम है। कितने सफाई कर्मी है पता आपको? इस समय मौके पर 31 सफाई कर्मी हैं, 31 या 32 है। कितने काम कर रहे हैं? अब उसमें से कई लोग छुट्टी मारते हैं, कोई लोग नहीं मारते हैं। तो ये इसको लेकर नगर आयुक्त या मेयर से बात नहीं हुई एक बार? सर इसका जांच भी हुआ था, इसका 44 लाख हुआ था, सेंशन हुआ था, लेकिन 44 लाख निगम में ना पैसा होने के कारण नहीं बन पाया उसी कारण। हाँ, मेरे संज्ञान में अभी आया है कि वार्ड नंबर 8 में महेश्वरा के पास जो है कहीं पर जल जमाव है और कुछ सफाई की प्रॉब्लम है जो कि आम जनमानस के लोगों ने किया है। तो अभी मैंने वहाँ के जो हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर उनको बता दिया है और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पूरी सफाई हो जाएगी, और क्योंकि पूरे क्षेत्र में पूरे नगर निगम के क्षेत्र में लगातार जो सैनिटाइजेशन है, विशेष सफाई अभियान है, फॉगिंग है, नालों की सफाई है, मलबा का उठान है, ये सब लगातार चल रहा है। तो हो सकता है कोई अभी सुबह से काम चल रहा है कहीं कुछ छूट गया हो, तो संज्ञान बात आ गई है, तत्काल इसको जो है दूर करा दिया जाएगा।